अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ बैंगलोर में शादियों में जो बैंगन का खट्टा बनता है, बैंगन का सालन, वो बनाने जा रही हूँ। मुझे कमेंट्स में बोले थे बनाकर बताइए, तो मैं आज बनाकर बता रही हूँ शादियों वाला बैंगन का सालन। तो चलिए बनाते हैं। बैंगन के सालन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर इसे बैंगन का खट्टा भी बोलते हैं, इसे सालन भी बोलते हैं। यहाँ बैंगलोर में ये शादियों में बहुत बनता है, बिरयानी के साथ ये बहुत बनता है। यहाँ पर मैं बैंगन ली हूँ, छोटे और बड़े दोनों भी ली हूँ, आधा किलो लेकर हूँ मैं बैंगन। ये बैंगन ऐसे भी ले सकते हैं, आप ज्यादा ब्लू वाले भी ले सकते हैं, अगर बड़े हो तो छोटे पीसों में भी कर सकते हैं। मैं इसे काट कर बताती हूँ, मैं काट कर नहीं हूँ। आधा किलो बैंगन, यहाँ पर आधा किलो टमाटर ली हूँ, लाल वाले अच्छे टमाटर आधा किलो। यहाँ मसाले बताती हूँ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इमली, प्याज, जीरा, काली मिर्ची, मेथी दाना, राय, हल्दी, सूखी मिर्ची, करी पत्ता और यहाँ पर थोड़े से मसाले, हरिया धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, हमें इसे पीसना है। इसके साथ मेथी दाना और जीरा को हमें मिलाकर बारीक पेस्ट कर लेना है, इसे पीस लेना है। यहाँ पर जो टमाटर रखी हूँ मैं, ये टमाटर को भी हमें बारीक सा पीस लेना है। ये दो को पीस कर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हरिया धनिया डाल ली हूँ मैं, प्याज को भी काट कर ऐसे डाल लेती हूँ क्योंकि पीसना है। एक बड़ी साइज की मैं प्याज ली हूँ, अगर नहीं है बड़ी साइज की दो मीडियम साइज की लीजिए, अगर छोटी है तो तीन से चार प्याज आप पीसने के लिए डाल लेना। हो गया है, लहसुन, अदरक, यहाँ पर भरकर एक टीस्पून जितनी जीरा, थोड़ा सा मैं भून ली हूँ जीरा को, जीरा और यहाँ पर मेथी दाना, मेथी दाना को भी मैं आधा टीस्पून जितना ली हूँ, इसे भी मैं भून कर ली हूँ, ये भी इसमें जाता है। अब क्या करना है, इसे बारीक सा पेस्ट कर लेना है, उसके साथ इसे अलग और टमाटर को अलग सा हमें पीस लेना है। यहाँ पर देखिए टमाटर भी मैं पीस ली हूँ, मसाले को भी पीस ली हूँ। अब क्या करना है, हमें बैंगन को काट लेना है। यहाँ पर देखिए बैंगन ली हूँ मैं, थोड़ा सा इसका डेढ़ थोड़ा सा हमें इसे काट लेना है ऐसे। आप छोटे हो तो आप सारे ही डालना, अगर बड़े हो तो आप बीच में से दो कर लेना। यहाँ पर देखिए ज्यादा इसे नहीं काटना है, बस इतना सा, ये देखिए ऐसे काट लेना है। फिर पानी में लेती हूँ, अगर बड़ा हो तो आपके पास बड़ा बैंगन है सेम, इसे भी ऐसे ही हमें काट लेना है, लेकिन इसे दो करना है हमें। कैसे बताती हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे करना है, थोड़ा सा इसे कट करना है, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, बड़ा हो तो आप ऐसे कर लेना। यहाँ पर देखिए एक बर्तन रख ली हूँ मैं, गैस को भी ऑन कर ली हूँ। अभी इसमें एक कप जितना मैं तेल लेती हूँ, थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा ही जाता है, एक कप जितना मैं ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी यहाँ आधा टीस्पून जितना राय ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसे चटकने देना है हमें राय को, क्योंकि नहीं पकाने से क्या होता है राय कच्ची रहती है, राय को अच्छे से चटकने देना है। यहाँ पर मैं आधी प्याज काट ली हूँ बारीक सी, इसे डाल देती हूँ। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को थोड़ा पकाना है बस। प्याज देखिए पकी है, प्याज ब्राउन नहीं हुए, थोड़ा सा पकी है प्याज। अभी इसमें करी पत्ता, सूखी मिर्ची डाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर बड़ी सूखी मिर्ची दो दो कर डाली हूँ मैं, सूखी मिर्ची और यहाँ पर 10 से 12 करी पत्ते। यहाँ पर जो हरिया मसाला मैं पीस कर बताई थी आपको, प्याज, हरिया धनिया, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी दाना, अभी मैं इसे इसमें डाल लेती हूँ। इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, एक मिनट तक हमें अच्छे से पकाना है इन मसालों को। देखिए मसाला पकते हुए एक मिनट हो गया है,
माशाल्लाह आपसे ही खुशबू शुरू होगी। इसमें मेथी दाना जाता है तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च, हल्दी आधा टीस्पून जितना भरकर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आपको आप ज्यादा कम आप देखकर डाल लेना। इसे भी थोड़ा समय मिला लेती हूँ मसालों को। देखिए मसाला भी अच्छे से पक रहा है मसाला। अभी क्या करना है, जो बैंगन को मैं काट कर रखी थी बताई थी मैं, अभी उसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोकर हमें इस मसाले में हमें 5 मिनट तक पकाना है। अब डाल लेती हूँ मैं बैंगन को। अगर बड़ा है बैंगन तो आप 2 पीस कर कट लगा लेना। आप अगर छोटा है तो आप ऐसा ही सारा कट लगा कर डाल सकते। मैं यहाँ पर आधा किलो बैंगन का बता रही हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर आधा किलो बैंगन का बता रही हूँ मैं आपको। आप चाहे तो 1 किलो का भी बना सकते हैं। आपके घर में फंक्शन रहता है, मेहमान आते हैं तो आपको ज्यादा चाहिए तो आप उसे ज्यादा भी बना सकते हैं, 1.5 किलो। हाँ, मसाले थोड़ा ज्यादा कर लेना आप। अब मैं आधा किलो के मसाले बता रही हूँ, आप थोड़ा और ज्यादा कर लेना मसाले। बस टमाटो बैंगन 1 किलो डाल दो। मैं आधा किलो बैंगन के लिए आधा किलो टमाटर डाली हूँ मैं। प्याज बड़े साइज की मैं प्याज ली हूँ बड़ी। अगर छोटी है तो 2 लेना, और छोटी हो तो 3-4 भी आप डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी और ज्यादा चाहिए तो और 1 प्याज डालना और 2 टमाटर भी पीस कर डालना। हर मसाले को थोड़ा ज्यादा कर लेना और ज्यादा चाहिए ग्रेवी। ये बहुत अच्छी रहती है। इसमें 2-3 अलग किस्म के बैगन का खट्टा आता है। मैं पहले भी बनाकर बताई हूँ बिरयानी में, हमारे घर में जो बनता है वो बताकर हूँ मैं। बैगन का खट्टा ये शादियों में बनता है, ये भी बनता है और एक भी बनता है। मैं आपको वो भी बनाकर बताती हूँ। आप मुझे पूछिए कि बोले के बनाकर बताइए। शादियों में बैगन का सालन बनता है, इसे खट्टा भी बोलते हैं सालन भी बोलते हैं। जो बनता है बनाकर बताइए। मैं आज बनाकर बता रही हूँ, आप इसे जरूर से बनाकर खाइए, एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ईजी है। हर मसाले घर में रहते हैं, बहुत सिंपल मसाले हैं, हर घर में मौजूद रहते हैं मसाले। तो इसे बनाकर खाइए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं इसे और एक भी आता है मैं वो भी आपको बनाकर बताती हूँ मैं। इसे 5 मिनट तक पकाना है, भूनना है मसालों में 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है। ये अलग सा रहता है। आप लोग शादियों में जाकर होंगे, बेंगलुरु शादियों में जाकर होंगे तो बैंगन का खट्टा कैसा रहता है, ये वही टेस्टी रहता है। उसमें 2 तरह का बनता है, मैं बता रही हूँ ना, मैं बनाकर आपको बताऊंगी। इसे ट्राई कीजिए आप। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो भी नए हैं मेरे चैनल को देखते हैं, देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए आप। अब मुझे कमेंट्स में जो भी पूछते हो, मैं 1 दिन 2 दिन लेट होने से भी मैं आप लोगों को बनाकर बता रही हूँ, बताती भी हूँ मैं आप लोगों को। अभी क्या करना है हमें, 1 मिनट तक इसे अच्छे से बैगन को पकने देना है, तेल में ही थोड़ा पकने देना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये बैगन को ज्यादा पकने की जरूरत ही नहीं है, कुकर में डालने की भी जरूरत नहीं है, बैगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। देखिए आधा पक चुके हैं और थोड़ा सा और 1 मिनट मैं इसे पका लेती हूँ बैगन को। इसे थोड़ा सा पानी डालती हूँ क्योंकि मसाला नीचे से लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ले रही हूँ, आधा गिलास जितना पानी। अभी से और 1 मिनट मैं पकने देती हूँ। मसाले में अच्छे से पका लेना है बैगन को, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लेना है। बैगन को कुकर में डालने की ही जरूरत नहीं, बैगन ऐसे ही गल जाएंगे। 1 मिनट और 1 मिनट मैं ऐसे ही पकने देती हूँ। अभी क्या करती हूँ, इसमें नमक नहीं डाली हूँ मैं, अब नमक डालती हूँ मैं। 1 टीस्पून जितना ले रही हूँ मैं नमक। नमक भी आप देखकर डालना, लाल मिर्च भी आप देखकर डालना, आपके ऊपर जाता है। मुझे अभी यहाँ जितना चाहिए मुझे, मैं उतना डाल रही हूँ मैं। नमक 1 टीस्पून जितना ली हूँ मैं, छोटे स्पून से 1 स्पून। ऐसे क्या करती हूँ, 1 मिनट मैं और इसे अच्छे से पका लेती हूँ बैंगन को। देखिए बैंगन भी गल चुके हैं, थोड़ा और गलना बाकी है। अब क्या करना है हमें, टमाटर को इसमें डाल लेना है। पूरे टमाटर को, पिसे हुए टमाटर को इसमें डाल देना।
अब इसे और 5 मिनट हमें पकाना है। टमाटर को, मसाले को, बैंगन को और 5 मिनट हमें पकाने हैं। इस वक्त आप नमक मिर्च एक बार देख लेना, आपको तीखा चाहिए या नमक चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमली भिगो कर रख ली थी, अभी उसका पानी मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पर इमली का पत्ती, ये नई इमली है, ये नई इमली बहुत अच्छी रहती है और बहुत खट्टी रहती है, देखकर डाल लेना। आपके पास हो तो देखकर डाल लेना आप ऐसी इमली। अब इसे क्या करना है, 5 मिनट तक मैं अच्छे से पका लेती हूँ। यहाँ पर देखिए बैंगन का सालन खट्टा तैयार हो गया है। ये और आपको चाहे और घट चाहिए तो आप घट कर सकते हैं, और पतला चाहिए तो पतला, लेकिन ये इतना ही घट रहता है, बैंगन का सालन इतना ही घट रहता है। ये हो गया, गैस को कर लेती हूँ बंद, आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया है शादियों में बनने वाला बैंगन का सालन, बैंगन का खट्टा, जो भी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप, सालन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैंगन का सालन तैयार हो गया है, आप इसे जैसा चाहे वैसा खा सकते हैं। आप चाहे रोटी में खा सकते हैं, आप इसे चावल में खा सकते हैं, पूरी में खा सकते हैं, आप बिरयानी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये इतना मजे का रहता है, खट्टा खट्टा बहुत अच्छा रहता है, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ आप खा सकते हैं। मैं बनाकर बताई हूँ आपको, ये आप सफेद चावल जीरा राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, ये उतना अच्छा रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। आज मैं खाकर नहीं बता रही हूँ। ये देखिए आज मैं शादियों में बनने वाला बैंगन का खट्टा बनाकर बताई हूँ, इसे खट्टा भी बोलते हैं, इसे सालन भी बोलते हैं, मैं बनाकर बताई हूँ, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ खा सकते। मुझे कमेंट्स में बोले थे बनाकर बताने के लिए, तो मैं बनाकर बता रही हूँ, इसे जरूर से आप एक बार बनाइए, ये बहुत अच्छा रहता है, सच में बहुत, रोटी के साथ तो, पूरी के साथ तो बहुत मजे का रहता है। आज मैं खाकर नहीं बताई हूँ, वरना खाकर मैं बताती थी, सच में ये बहुत अच्छा बनता है, बनाकर इसे खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।